कालिया जी सरदार। कालिया देखियो चल के अंदर रही है। सरदार तेल तो पड़वा लिया करो ना भैया, बहुत महंगा है। कहाँ है ठाकुर? क्या बात ठाकुर, बोरिया दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। तुम्हें तो पता है गब्बर, पिछली बार भी लॉकडाउन लग गया था और अब इस बार भी लग गया तो ये भी नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता ठाकुर, अगर अनाज नहीं मिला ना तो बसंती और विधवा को उठा के ले जाएंगे। उठाओ रे। क्या ठाकुर साहब, कब तक ऐसा चलता रहेगा? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। कोई भूखा नहीं मरेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। है करण अर्जुन? ये तो शोले पार्ट टू है। और ये ज्यादा ना करण अर्जुन मत देखा करो। ओ सॉरी, मेरे जय वीरू आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। भोसड़ी का पूरा डायलॉग ही कॉपी कर लिया। इसकी माँ का चूतिया है क्या? हाय, दिस इज फहद। ओ कोरोना चल लिया है इसलिए। नहीं नहीं, वो ठाकुर साहब के हाथ। ये तो मेरी तना है। ये तुम्हारी तना नहीं, ये तुम ही हो। मतलब? मतलब पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा। पुनर्जन्म मतलब? मतलब रीबॉर्न हुए हो तुम, और तुम्हारा असली नाम वीरू है। मेरा नाम वीरू? जय को नहीं लाए साथ? होली है। मेरी जान बसंती, तुम जिंदा हो? मुझे पता था वीरू तुम जरूर आओगे। ठाकुर साहब, वीरू आया है तो जे भी आएगा। मेरा पर्स? अगर पर्स वापस ही करना था तो चुराए क्यों? अगर पर्स नहीं चुराता तो तुझसे कैसे मिलता? मतलब? मतलब कि ये तो मैं हूँ, और ये तूने बाल कैसे लगा दिए? तू फोटो एडिटर भी है ना? बे जंगली सुअर, ये तू ही है और तेरा पुनर्जन्म हुआ है।
पुनर्जन्म मतलब? क्या बताया था? हाँ, रीबॉर्न हुआ है। ये सब फिल्मी बातें हैं और मैं ये सब नहीं मानता। तो चल मेरे साथ। देख, ये वही जेल है जहां से हम दोनों भागे थे। कुछ याद आया? नहीं। चल मेरे साथ। देख, ये वही जगह है जहां हम साथ में आगा करते थे। जय। हाँ वीरू। अबे धुला तो दे। कुछ याद आया? देख, ये वही हवेली है जहाँ ठाकुर साहब हमें बिरयानी खिलाते थे। कुछ याद आया? अरे ठाकुर साहब, लो ठाकुर साहब, जय भी आ गया। हेलो, दिस इज विकी। लगता है बुड्ढे को इंग्लिश नहीं आती। नमस्ते, मेरा नाम विकी। ठाकुर साहब के हाथ नहीं है क्या? ये बिना हाथ के पैदा हुए हैं, तो इनकी पोटी कौन धोता होगा? ओसड़ी के इनके हाथ गब्बर ने काट दिए थे, तुझे कुछ याद नहीं आया? ना। माँ? अबे माँ नहीं है, ये तेरी सेटिंग है। सेटिंग? हाँ, और ये देख, वहाँ विधवा खड़ी हुआ करती थी और यहाँ तुम दोनों में बिना छुए प्यार होता था। विधवा बिना छुए प्यार? तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट और जवान लग रही हो। चलें क्या? ठंडा है ठंडा। ओह नो। सरदार, वो क्या? वो जयवीर वापस आ गए। खा अपनी भागी हुई माँ की कसम। मेरी भागी हुई माँ की कसम। तुझे पता है तेरे इस मजाक की वजह से तेरी मौत हो सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा सरदार। सामा। जी सरदार। जाके चेक करो कौन है ये दो बेरुपये जो करण अर्जुन बंद कर रहा है। सरदार, जयवीरू। ओह नो। हाँ जयवीरू, वो ये खबर गलत लिख ली तो इसे गोली मार देना। तुम्हारे मारे जाने के बाद गब्बर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन गाँव में किसी न किसी लड़की की जवानी को चखना और गाँव में जब भी बिरयानी बनती तो पूरा पतीला उठा कर ले जाना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। और तुम सिर्फ खड़े होके देखते रहते थे। गांव में ऐसा कोई मर्द नहीं जो गब्बर का मुकाबला कर सके। मुझे यकीन था तुम दोनों जरूर आओगे गब्बर का खात्मा करने के लिए। ठाकुर साहब, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार मौत हमारी नहीं गब्बर की होगी। ठाकुर, कहां छुपा है? बाहर निकल। सुना है तेरे झोरे बोरे वापस आ गए, बाहर निकल वरना इसका सर इसके धड़ से अलग कर देंगे। गरीब पर क्या जरूरत माता है, मर्द का बच्चा है तो मुझसे बात कर। गरीब किसको बोल लिया है, पूरे 250 एकड़ जमीन है मेरे नाम में और 4 तो लंबरगिनी है मेरे पास और हाँ 8-10 तो आईफोन है। ओह नो। ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर निकला। बस कर।
ना, नहीं तो मर्द का बच्चा मर जाएगा। बोल देना जाकर गब्बर से कि अपनी मौत का कफन सिला के रखे, क्योंकि इस बार मौत का कफन उसे जय और वीरू ही पहनाएंगे। किसने किया यह हाल तुम्हारा? सरदार, जय जय वीरू वापस आ गए और वो काले वाले ने तो बहुत ही मारा। कौन है ये जय वीरू? अब तो इन दोनों से मिलना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। दूसरा वाला कहाँ है? जय! क्यों तू यह ना काला वाला जो मेरे आदमी को खूब मारता है? तुझे क्या डर लग रहा है गब्बर? मारो इसे। नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरी जबान ज्यादा चलती है, भूल गया तू कैसे मौत दी थी तुझे? गब्बर, उसे कुछ मत करना, चाहे तो तू मेरी जान ले ले। याराना तो बहुत ही तगड़ा लगता है तुम दोनों का। चलो, आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन बसंती की जवानी को जरूर चखूंगा। उठा रहे। नहीं गब्बर, छोड़ दे बसंती को। गब्बर, छोड़ दे बसंती। जे जे, तुझे कुछ नहीं होगा जे। वीरू, तू बसंती को बचा जाकर। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। नहीं जय, अगर तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, तू उन्हें जाकर रोक। इस बार अगर तुमने गब्बर को नहीं मारा तो गांव वालों की उम्मीदें एक बार फिर से खत्म हो जाएंगी। तुम्हें उसे मारना ही होगा, गांव वालों के लिए, बसंती विधवा के लिए, जय और वीरू के लिए। बीड़ी पीगी? नहीं गब्बर, वो बीड़ी से होंठ काले हो जाते हैं। सिगरेट हो तो दो। ला थोड़ा हमें भी दे दो, या पूरा पी लोगी? गब्बर, तुम बीड़ी पी लो। Thank you.
मर सकता जे। कैसे जिंदा हो सकता है? तेरी कोई आखिरी इच्छा? वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर कर दे।